जैसा कि आप अनुमान लगा ही चुके हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण साथी और देश की राजनीति के, देश के प्रशासन के एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। डॉक्टर इसलिए क्योंकि MBBS हैं और आप सब इनको दो रूप में देख चुके हैं, देश इनकी दो रूप में सेवाएं ले चुका है, एक IPS ऑफिसर के रूप में और सांसद के रूप में भी देश की सेवा कर चुके हैं। आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और हमारी काफ़ी लंबी बात हुई है। वैसे तो जिस वक्त से हम सब लोग सामाजिक रूप से सक्रिय हुए RTI मूवमेंट अन्ना आंदोलन के दौरान, तब से ही डॉक्टर अजय कुमार जी से परिचय रहा और धीरे धीरे वो परिचय मित्रता में भी बदला। अन्ना आंदोलन के दौरान बहुत मित्रतापूर्ण संबंध हम सब लोगों के रहे और आज से आम आदमी पार्टी के परिवार के रूप में हम साथ काम करेंगे। पूरे देश में, दिल्ली में, हर जगह जहाँ जहाँ भी आम आदमी पार्टी की अलग अलग भूमिकाएँ चल रही हैं वहाँ आपका सहयोग रहेगा। थोड़ा सा परिचय आप में से बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मौके पर मैं रख लूँ। डॉक्टर अजय जी, अगर पॉलिटिशियन के रूप में देखूँ तो एक बहुत यूनिक इनकी जर्नी इस रूप में है। ये इनका जो परिवार है वो मूल रूप से साउथ इंडियन स्टेट से आता है, साउथ इंडिया से आता है, लेकिन इन्होंने जब IPS के रूप में काम करना शुरू किया तो बिहार और झारखंड में काम करना शुरू किया और आज भी हम जितनी बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावों में जाति और धर्म और क्षेत्र बहुत बड़े मुद्दे होते हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों को किनारे करके सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए काम करने के, जनता के लिए समर्पित, जो भी जिम्मेदारी मिली जनता के लिए समर्पित होकर काम करने की भावना के स्वरूप इन्हें जमशेदपुर की जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के भेजा। ये भी एक अपने आप में यूनिक चीज़ है इनके बारे में। 90 to 94 IPS के रूप में आपने SP पटना के रूप में बहुत ज़बरदस्त काम किए और उस वक्त वहाँ जिस तरह की सरकारें चल रही थी, जिस तरह की राजनीति चल रही थी, उस पर जिस तरह की इन्होंने कार्रवाई की एक ईमानदार और कड़क अधिकारी के रूप में, उससे प्रेरित होके और उसकी इनके जीवन की बहुत सारी घटनाओं को उससे प्रेरित होके ही गंगाजल फिल्म बनाई गई थी। 94 में जब जमशेदपुर में वहाँ माफिया राज बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था और वहाँ टाटा जैसी बड़ी कंपनियों को भी सिर्फ और सिर्फ माफिया राज की वजह से, अफराद की वजह से वहाँ से वाइंड अप करने की नौबत आ गई थी और टाटा जैसे व्यापारी भी सोच रहे थे कि हम यहाँ से अपना व्यापार वाइंड अप करें, उस वक्त रातों रात आपको जिम्मेदारी दी गई थी कि हम वहाँ पे स्थिति को संभालें ताकि देश के व्यापारी इस तरह से परेशान ना हो या उस वक्त जो भी वहाँ स्थितियाँ थी उसका शिकार ना बने। और 94 to 96 आपने वहाँ माफिया का खात्मा करके वापस वो माहौल बनाया जिसकी बदौलत आज जमशेदपुर देश के बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से है, वरना वो वहाँ 94 में वाइंड अप होने की सारी डिसीजन वहाँ के व्यापारियों ने ले लिए थे। तो वो भी योगदान रोजगार बचाने से लेकर अर्थव्यवस्था में योगदान देने से अर्थव्यवस्था की सुरक्षा करने तक का योगदान आपका रहा है। राजनीति में भी आपने बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कांग्रेस में झारखंड के प्रेसिडेंट के रूप में, पार्टी प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में आपने काम किया है और आज से आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत तहे दिल से, बहुत खुले दिल के साथ, बहुत धन्यवाद के साथ आपका पार्टी में बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद महेश जी, सौरभ जी, विकास जी, दुर्गेश जी और उपस्थित हमारे सभी साथी का। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज आम आदमी पार्टी में हमें शामिल होना चाहिए, एक ही मकसद है। यदि आप देखेंगे कि जिस तरह से देश में राजनीति चल रही है, वर्तमान राजनीति को एक मजबूत जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और आम आदमी पार्टी के जो पॉलिटिक्स हो रहा है, वो ईमानदारी की राजनीति,
जो गवर्नेंस की राजनीति है, आप सब वाकिफ हैं स्वास्थ्य और शिक्षा और बिजली और पानी के विषय पर। मैं अभी भी मानता हूँ कि उस विषय को जो है देश भर में जो प्रमोट कर या कम से कम खबर भिजवाने की जो न्यूज फैलाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप देखेंगे झारखंड और बिहार से भी जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ के जितने भी लोग जो बिहार और झारखंड में जो गरीब लोग आम लोग जो नौकरी के लिए जो दिल्ली आए, उनको जो है जिस जिस इस ये सब योजना आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाएं से जो सुविधा मिल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जमशेदपुर झारखंड पटना वटना सब जगह से अभी रांची के इतने लोग जिनके परिवार जो है अभी जो है दिल्ली में काम करते, और हर एक व्यक्ति का यही कहना है कि शिक्षा के चलते वो सरकारी स्कूल में तो उनके प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य में उनकी जो है सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया से चल रहे हैं, इसलिए जो स्वास्थ्य में जो है उनके पूरी तरह से जो बर्बाद नहीं हो रहे किसी बीमारी के चलते। बिजली और पानी के जो है बचत के चलते वो जो है अपने बच्चों को ट्यूशन और बाकी चीज में लगा पा रहे हैं, तो जो कमाई जो उनकी है वो काफी हद तक उनकी जो है बचत हो रही है। और ये बात पूरी तरह से मैं बिहार और झारखंड के लोग भी जानते हैं, तो मुझे ये लगता है कि बिहार झारखंड के खासतौर करके से जो आम लोग मिडिल क्लास हो या गरीब लोग या मजदूर लोग जो दिल्ली आए, उनको आम आदमी पार्टी सरकार और अरविंद जी और मनीष जी और जितने भी हमारे जो साथीगण हैं उनके जो है निष्ठा के चलते हुए कर्मठता के चलते हुए जो सुविधा मिला वो एक बहुत अच्छा काम है। और मैंने कहा कि हमेशा मैं मनीष जी को पिछले 8 साल से 9 साल से सौरभ जी हमेशा जब हम लोग मिलते थे हम तो ये कहते थे कि जो नॉर्मल लोग हम जैसे हमारे जैसे नॉर्मल भारत के आम जनता मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास जो बच्चे पढ़ रहे हैं नो पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं है, जिसके पास माँ बाप जो है कोई धन कुबेर नहीं है, वो राजनीति में आकर के एक ऑनेस्ट ऑल्टरनेटिव साफ सुथरा राजनीति का एक परिचय दे सकते। तो इससे मेरे हमारा ये कहना, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा सीएम साहब को और मनीष जी को और सौरभ जी और दुर्गेश जी को। हमारे एक साथी थे मनीष झा जो जमशेदपुर से, जो हमेशा लगा रहा वो हमेशा कोशिश किया हमको आम आदमी पार्टी में इंट्रोड्यूस कराने के लिए पिछले 8 साल से, क्योंकि परिस्थिति अलग थी। तो इससे मैं फिर से जो है पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और मनीष जी को थैंक यू फॉर इतना सुंदर तरीके से इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया। नमस्कार, धन्यवाद। अगर तो कोई सवाल है तो बता दीजिए।